नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोविड टीकाकरण को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। शनिवार से जिले के 10 सेंटरों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। डॉक्टर आर के सोहाने ने संभाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय का प्रभार। कहा, युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ देंगे रोजगार। जिले में नहीं थम रहा है हत्याओं का दौर। बहियार में मिला राजमिस्त्री का शव, इलाके में फैली सनसनी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर शुरू हुआ निर्माण निधि अभियान। संतों ने कहा, राम संपूर्ण मानव जाति के प्रेरणा स्रोत। और नगर आयुक्त के नहीं रहने से निगम का कार्य हुआ प्रभावित। आराम फरमाते नजर आए कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीकाकरण से संबंधित जानकारी दी। डीएम ने कहा कि पहले चरण के टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसके लिए जिले में बनाए गए सभी कोविड वैक्सीन केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। डीएम ने रोजाना करीब 1000 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखे जाने की बात करते हुए कहा कि पंजीयन, टीकाकरण और ऑब्जर्वेशन के लिए अलग अलग रूम बनाए गए हैं और सभी प्रक्रिया की निगरानी कोविड पोर्टल से ही होगी। साथ ही कहा कि गर्भवती महिला और 50 वर्ष से अधिक के लोगों को पहले चरण में टीका नहीं लगाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी नीतासा गुड़िया, टीडीसी सुनील कुमार, एसडीओ आशीष नारायण, एएसपी पूरन कुमार, डीटीओ फिरोज अख्तर समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। का काम कल से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट फेज में जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, जो कोरोना से संबंधित पेशेंट्स के इलाज के लिए या उनको अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सबसे पहले लाइन पर होते हैं, उनके वैक्सीनेशन का काम कल से शुरू होने जा रहा है। और ये पूरी प्रक्रिया जो है कोविन पोर्टल के माध्यम से इसकी निगरानी होगी और रजिस्ट्रेशन जो ये फ्रंट लाइन वर्कर हैं, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबकी हो चुकी है और जो वैक्सीन है वो भी हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। हमारे 10 सेंटर्स पर, 10 जो साइट है वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम होगा। वो एक मेडिकल कॉलेज है, सदर हॉस्पिटल है, सीएससी सबौर है, रेफरल हॉस्पिटल सुल्तानगंज और नाथनगर, सीएससी जगदीशपुर, सब डिविजनल हॉस्पिटल नौगछिया, पीएससी नारायणपुर और प्राइवेट जो है रक्षिता नर्सिंग होम, मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। लंबे इंतजार के बाद देश भर में कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत शनिवार को हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कोविड टीका लॉन्च करेंगे, जिसके बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना से कोविड वैक्सीन टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ देश और राज्य भर में टीकाकरण की शुरुआत होगी। भागलपुर में कोविड टीकाकरण के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और इसके लिए जिले में कुल 10 सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 8 सरकारी अस्पताल और पीएचसी के साथ 2 निजी नर्सिंग होम भी शामिल हैं। बता दें कि भागलपुर में बनाए गए कोविड टीकाकरण सेंटर में सदर अस्पताल और मायागंज अस्पताल के अलावा सुल्तानगंज, नाथनगर, जगदीशपुर, सबौर, नवगछिया, नारायणपुर, रक्षिता नर्सिंग होम और मंगलम हॉस्पिटल शामिल हैं। टीकाकरण की तैयारी को लेकर डीआईओ डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी ने बताया कि 2 तरह की वैक्सीन आई है, जिसमें एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड वैक्सीन है। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन में 20 डोज होता है जो मायागंज अस्पताल में दिया जाएगा, जबकि बाकी के सभी 9 सेंटरों पर कोविशील्ड वैक्सीन दी जाएगी जिसमें 10 डोज होता है। डीआईओ ने कहा कि सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को वैक्सीन दिया जाना है, जिसमें एक दिन में एक सेंटर पर 100 लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों को भी जरूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारी टीम पूरी तैयार है और हम लोग जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार ये वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार हैं। हमारी टीम भी तैयार है, हर जगह 10 जगह पे होना है, जिसमें 2 प्राइवेट नर्सिंग होम है और 8 जगह ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज है, एक सदर अस्पताल है और पीएचसी लेवल का है। सारी जगह तैयारी मुकम्मल है और हम लोग कल से टीकाकरण शुरू करने जा रहे हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रभारी कुलपति डॉक्टर रविंद्र कुमार सोहाने बनाए गए हैं।
डॉक्टर सोहाने प्रसार शिक्षा निदेशक का काम करते हुए कुलपति के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। बता दें कि इसके पूर्व BAU के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह थे और राजभवन ने अधिसूचना जारी कर डॉक्टर सोहाने को प्रभारी कुलपति बनाया है, जिसके बाद शुक्रवार को कुलपति डॉक्टर RK सोहाने ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मियों ने नए कुलपति का बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान कुलपति ने रजिस्ट्रार मिजानुल हक और अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब हो कि कनीय विज्ञानी से अपनी पारी की शुरुआत करने वाले डॉक्टर सोहाने को विगत 12 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव है। साथ ही वे 2012 से अब तक BAU के प्रसार शिक्षा निदेशक के पद पर भी कार्यरत हैं। वहीं सिल्क टीवी से बातचीत करते हुए डॉक्टर सोहाने ने कहा कि राज्य के किसानों को इस विश्वविद्यालय से काफी अपेक्षाएं हैं, जिसे पूरा करने का वह हर संभव प्रयास करेंगे। कुलपति डॉक्टर RK सोहाने ने कहा कि युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देना और रोजगार मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही बताया कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में वैश्विक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का उत्पाद सभी जगह पहुंचे और किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए, इसी को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करेंगे। हमारा जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा दें, गुणात्मक उसमें शिक्षा में सुधार हो, और जो अनुसंधान हम नए अनुसंधान करें और जो अनुसंधान हो गए हैं उनको हम किसानों तक कैसे पहुंचाएं। तीसरा हमारा है कि हम जो विशेषकर बिहार के युवा हैं उनको कैसे स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग अधिक से अधिक दें। एक अभी हमारे सभी सहयोगियों ने ये निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे सारे पदाधिकारी 2 दिन फील्ड में जाएं, तो ये भी एक हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि सभी हमारे पदाधिकारी 2 दिन फील्ड में जाएंगे। फील्ड का मतलब हमारे कॉलेज जाएंगे, किसानों के फील्ड में जाएंगे। पीरपैंती प्रखंड के हजूर नगर धोबिनिया घाट मूसा बहियार के समीप एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान धर्मराज चौधरी के 45 वर्षीय पुत्र दिनेश चौधरी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि दिनेश चौधरी मुंगेर में राजमिस्त्री का काम करता था और 13 जनवरी को वह अपने घर आने के लिए वहां से निकला था। दिनेश चौधरी के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन दिनेश का कोई पता नहीं चला। शुक्रवार की सुबह राहगीरों ने दिनेश का शव देखा और इसकी जानकारी घर वालों को दी। वहीं घटना की सूचना पाकर DSP रेशु कृष्णा और पीरपैंती थाना प्रभारी राकेश कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर भेज दिया। अयोध्या में हो रहे श्रीराम मंदिर निर्माण को लेकर शुक्रवार को भागलपुर के बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंदिर निर्माण निधि अभियान समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बूढ़ानाथ मंदिर के महंत शिव नारायण गिरी, मेही आश्रम के स्वामी निर्मलानंद महाराज और योगीवीर पहाड़ी के आचार्य माई जी महाराज ने अभियान की शुरुआत की। संतों ने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो और इसमें संपूर्ण देशवासियों का योगदान सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम की जीवन लीला और आदर्श संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणादायक है और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। कार्यक्रम में अजगैबीनाथ धाम, जगरिया पहाड़ी, शिवकुंड, इस्कॉन मंदिर, राम प्रीतेश्वर धाम, गायत्री परिवार समेत अन्य संघ के तमाम प्रतिनिधि शामिल थे। भगवान श्री राम है दादा पुरुषोत्तम, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के धरोहर हैं और इनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन रहा है, ये हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है। और मैं चाहूँगा यह मंदिर भव्य रूप से बने, और चूँकि हमारा ये भागलपुर जो है अंग देश है, प्राचीन काल से इसका बड़ा महत्व है। श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और ये पूरे देश में अभियान समिति बनी हुई है। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भागलपुर जिले के अंदर में जो समिति बनी है उनके जो अध्यक्ष हैं उनके संरक्षण में रह के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पंचायत स्तर तक अभियान चलाएंगे, हर गांव तक, घर तक पहुंचेंगे। हर तरह से हम हर जन का सहयोग लेंगे, न जात पात को सबको भूल कर सबको एकत्रित करके हम सहयोग लेंगे। भागलपुर नगर निगम में पिछले एक पखवाड़े से
नगर आयुक्त का पद रिक्त है, जिस कारण वित्त एवं अन्य नीतिगत निर्णय पर ब्रेक लग गया है। बता दें कि नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी के तबादले के बाद उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा प्रभारी नगर आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने प्रभारी नगर आयुक्त को वित्त का पावर नहीं दिया है, जिससे निगम का कार्य प्रभावित हो रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को प्रभारी नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव की समीक्षा बैठक में पटना पहुंचे। इधर नगर आयुक्त के नहीं रहने से ज्यादातर कर्मियों ने राहत की सांस ली और कार्यालय परिसर में घूमते फिरते नजर आए। वहीं कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद दिखे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर बांध थाना क्षेत्र में बड़वा नदी के समीप एक 35 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की सुबह जब ग्रामीणों ने शव को देखा तो अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बता दें कि महिला की मौत सर में 2 गोली लगने से घटनास्थल पर ही हो गई। अब तक मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। नवगछिया थाना क्षेत्र के मक्खा तकिया गांव निवासी शिक्षक बचनेश्वर कुमार का 14 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार शुक्रवार की सुबह अलाव तापने के दौरान आग की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में सन्नी को नवगछिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल सन्नी का इलाज JLNMCH में चल रहा है और डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। घटना को लेकर बचनेश्वर कुमार ने बताया कि ठंड अधिक होने के कारण आग सेकने के दौरान ही केरोसिन से आग तेज हो गई और सन्नी उसकी चपेट में आ गया। बच्चे जो है ठंडी है या अत्यधिक ठंड के कारण जो है तपने के लिए जला रहा था, उसी समय जो है बगल में केरोसिन का डिब्बा था, उसी से धधक गया पूरा कपड़ा वगैरह सभी में। कहलगांव प्रखंड स्थित कुरमा पंचायत के खोजा घनौरा गांव में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विद्युत सब स्टेशन का भूमि पूजन शुक्रवार को स्थानीय जिला परिषद सदस्य सह प्रदेश सचिव जदयू महिला प्रकोष्ठ के सोनी कुमारी के द्वारा विधिवत पूजा एवं नारियल फोड़कर किया गया। इस दौरान सोनी कुमारी ने कहा कि विद्युत सब स्टेशन के बन जाने से 10 किलोमीटर तक के सभी गाँवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी, साथ ही इस क्षेत्र के लोगों को विद्युत की समस्या से निजात मिलेगा।
और किसानों के लिए सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलने लगेगी। शुक्रवार को रिफातपुर में श्री श्री 108 बाबा जंगली नाथ के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पीरपैंती खंड के द्वारा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर निर्माण हेतु धन समर्पण अभियान कार्यक्रम का अनौपचारिक शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से की गई और समापन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना से हुई। भागलपुर सुल्तानगंज के महेसी पंचायत में तृतीय कारेलाल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का आगाज किया गया, जिसमें बीएफसी बांका बनाम एनसी ब्रदर्स मुंगेर के बीच मैच खेला गया। मैच का उद्घाटन सुल्तानगंज विधानसभा से भारतीय सब लोग पार्टी के प्रत्याशी रवि सुमन ने फीता काटकर किया। बता दें कि टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने भाग लिया है, जिसका आगाज आज से प्रारंभ हो गया और फाइनल 26 जनवरी को खेला जाएगा। अब अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोविड टीकाकरण को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी, शनिवार से जिले के 10 सेंटरों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। डॉक्टर आर के सोहाने ने संभाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय का प्रभार, कहा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग के साथ देंगे रोजगार। जिले में नहीं थम रहा है हत्याओं का दौर, बहियार में मिला राजमिस्त्री का शव, इलाके में फैली सनसनी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर शुरू हुआ निर्माण निधि अभियान, संतों ने कहा राम संपूर्ण मानव जाति के प्रेरणा स्रोत। और नगर आयुक्त के नहीं रहने से निगम का कार्य हुआ प्रभावित, आराम फरमाते नजर आए कर्मचारी। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।